हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर स्टडी 2.0। दिस इज धीरज कुमार और इस चैनल पे मैं ना बहुत दिन से क्लासेस अपलोड नहीं कर रहा था। मेन चैनल पे लगा था डिफेंस एग्जाम के चक्कर में। अब भी देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ करो सर, उपाय करो। देखो यहाँ पर मैं ना कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, मैं आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस करा दूंगा। और ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है, इसके अंदर सिर्फ 15 क्वेश्चंस कराऊंगा और 15 क्वेश्चंस के अंदर देखना कितना चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। और मैं बताऊँ ना कि वैसे तो मैं मैथ पढ़ाता हूँ दबा के, इंग्लिश पढ़ाता हूँ दबा के, लेकिन कंप्यूटर मेरी बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रह चुकी है अभी तक की, ठीक है, बचपन से। तो मैं कंप्यूटर को आपको बहुत इंटरेस्टिंग कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें देखना है, रटने वाली कोई चीज़ नहीं होगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी चीज़ों को, एक्स्ट्रा थोड़ा सा आप डिटेल में जाके सीखोगे। चलो आज के लिए सिर्फ 15 क्वेश्चन रहेगी, अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो अगले दिन से 25 क्वेश्चन करके मैं रेगुलर आपको अपलोड करूंगा। साथ में अगर और इंटरेस्ट रहा तो मैथ रीजनिंग भी अपलोड करा दूंगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। एमएस विंडो 10 के साथ कौन सा वेब ब्राउजर पहले से इंस्टॉल आता है। देखो MS का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सोचो, अगर जिसको नहीं पता, MS का महेंद्र सिंह धोनी के बारे में नहीं बात कर रहे हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट। देखो एक चीज़ आपने देखा होगा, जितने भी आप लैपटॉप लेते हो ना, जैसे लेनेवो का, डेल का, चीज़ें समझो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, या फिर किसी भी ब्रांड का आप लैपटॉप लेते हो, उस पर ना ऐसे करके फोटो बना होता है, ठीक है, ऐसे करके मतलब चार बॉक्स होते हैं, या फिर उस पर लिखा होगा ना विंडोज़ टाइप का कुछ भी। तो जितने भी विंडोज़ आते हैं, पूछते हो ना कि विंडोज़ 10, विंडोज़ 9, विंडोज़ 8 जो भी है, तो वो क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की क्या है भैया, वो एक सॉफ्टवेयर है विंडोज़, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना एंड्रॉयड है हमारे पास, तो वैसे उनकी विंडोज़ है, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, जिससे कि कंप्यूटर चलता है। तो क्या सभी कंप्यूटर में विंडोज़ चलते हैं? नहीं, सभी में नहीं चलता है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स है, मैं ये सब पढ़ाऊंगा, एग्जाम में आते हैं, मैं सब डिटेल में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। चलो पहले इस सवाल पर जाते हैं, एमएस का मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। कभी भी एमएस दिखे तो वहां पे समझ जाना माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसका नाम यहाँ पे पहले से लिखा रहता है। एमएस विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के साथ कौन सा वेब ब्राउजर आता है, ये होता है एज, ये इंस्टॉल आता है। आपको क्रोम भी वैसे आता है या फिर नहीं भी आता है समटाइम्स, माइक्रोसॉफ्ट के साथ तो वो नहीं देते हैं, लेकिन आप इंस्टॉल कर लेते हो फ्री में इजिली, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे है, फायरफॉक्स भी इंस्टॉल कर लेते हो इजिली, लेकिन जो एज है ना वो, इसको इड्ज नहीं पढ़ते हैं, एज पढ़ते हैं, ये इनका खुद का ब्राउजर है। जैसे आप फोन लेते हो, एंड्रॉयड फोन लेते हो ना, तो उसके अंदर क्रोम ब्राउजर पहले से आता है डाउनलोड किया हुआ, देखते हो ना गूगल का क्रोम ब्राउजर, क्यों, क्योंकि गूगल की कंपनी है एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड क्या करता है ना कि मेरा प्रोडक्ट हमेशा हर फोन में रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि अलग से भाई डाउनलोड करवाएंगे, डाउनलोड मतलब होता है ना कि जैसे मैं कोई भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहूँ तो आप नहीं करोगे, लेकिन क्रोम डाउनलोडेड है तो आपको यूज़ करने में मज़ा आता है, क्यों, लगता है कि काम चोरी हो गया, हमारे पास डाउनलोडेड है। तो एज वाले क्या करते हैं, अब ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं बताने जा रहा हूँ। एज क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐप था पहले, पता है क्या, उसका नाम था IE, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ वो उतना बढ़िया, जो ब्राउजर जैसे क्रोम ब्राउजर होता है ना, फायरफॉक्स ब्राउजर होता है ना, इसके अलावा कोई भी ओपेरा ब्राउजर पहले आती थी, यूसी मिनी ब्राउजर, वैसे ना इसके अंदर एक था इंटरनेट एक्सप्लोरर, पहले से वो लोग ओल्ड ब्राउजर मतलब वर्जन के अंदर विंडोज 7-8 में देखने के लिए मिलता था, 7 के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो वो अच्छा से फंक्शन नहीं करती थी, इन्होंने काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट किया। आप जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, यहाँ सवाल बनता है कि किस सॉफ्टवेयर का नाम जो है ना इंटरनेट एक्सप्लोरर था, या फिर एज का पुराना नाम क्या था, ये भी दे सकता है एग्जाम में। तो ये था इंटरनेट एक्सप्लोरर, या तो इसकी साइन ई करके ऐसे करके कुछ काटा हुआ रहता था, आप गूगल पे सर्च करना इंटरनेट एक्सप्लोरर लोगो, आपको मिल जाएगी, उसी का नया नाम हो गया एज, और ये विंडोज़ की या फिर माइक्रोसॉफ्ट की अपनी जो है सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को क्या कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, कॉपी, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। देखो मैं बताता हूँ सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या फ़र्क होता है, आपके हाथ में जो भी चीज़ें आ गई वो हार्ड कॉपी है, कहोगे वैसे तो हाथ में मेरे फ़ोन भी है तो मेरा हार्ड कॉपी है, भैया कॉपी कहने का मतलब वो पेज, पेज, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर आप PDF से पढ़ रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दिया PDF, ये जो सारी PDF है, तो वो भी एक तरीके का कॉपी का ही फॉर्म है, आप उसमें भी कुछ पढ़ रहे हो लेकिन वो सॉफ्ट कॉपी है, उसको आप छू नहीं पा रहे हो, उसको आप डिस्प्ले करके पढ़ रहे हो। इसके अलावा अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे JPEG के फॉर्म में भी मैं आपको दे सकता हूँ, फोटो के फॉर्म में भी दे दूँ पढ़ने वाली चीज़ें, तो ये सभी चीज़ें सॉफ्ट कॉपी के तौर पर आ गई। लेकिन जो आप प्रिंट करा लेते हो, प्रिंट करा के जेरोक्स करा के रख लेते हो अपने पास, वो हो गई हार्ड कॉपी। ये चीज़ क्लियर हो गया, आपका बुक क्या है हार्ड कॉपी है, जेरॉक्स कराया वो पेज क्या है हार्ड कॉपी है, तो ये सभी चीज़ें हार्ड कॉपी आती है। हार्ड कॉपी का मतलब ये नहीं कि तोड़ने में मेहनत लगे, वो नहीं, मतलब फिजिकली हमारे पास आ गया कोई चीज़ पढ़ने वाला, वो हार्ड कॉपी है उसका, आ गया जो, तो वही कह रहा है अगर हम प्रिंट करा देंगे तो कैसा हो जाएगा, हार्ड कॉपी हो जाएगा वो।
फिर कह रहे बताओ इनमें से कौन सा डेटा है ना, जैसे इनमें से कौन सा डीवीडी सबसे अधिक डेटा संग्रहित करता है। आपने पहला पहले सीडी चलता था, सीडी के बाद डीवीडी आया, फ्लॉपी भी है हमारे पास। तो देखो सीडी पहले था कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, डीवीडी आया, ठीक है, इसके अलावा ब्लू रे डिस्क, उसी में फिर रेड रे डिस्क आया। तो जो आपने डीवीडी आप खरीदते होगे ना, तो उसमें देखना कभी कभार ऐसा था ब्लू रे डिस्क, या फिर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब तो कोई देखता नहीं है। तो ब्लू रे डिस्क जो होता है ना, उसके पास डेटा को स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होती थी। क्या रहती भैया? ब्लू रे डिस्क के पास क्या होती थी? डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा रहती थी, ठीक है, उसकी कह लो कि मतलब क्षमता ज़्यादा, मेमोरी ज़्यादा, जो भी कह लो अपनी भाषा में। आप अपनी भाषा में पढ़ो कंप्यूटर को, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना, एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है। तो ये समझ लो ब्लू रे डिस्क क्या थी भैया, क्षमता ज़्यादा थी, कैपेसिटी ज़्यादा थी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। फिर अगला सवाल कह रहा है, इसमें से बताओ कौन सा नेटवर्क आमतौर पर सबसे तेज होता है। ये देखो, एक होता है वैन, एक होता है मैन, वैन कुछ नहीं लैन, ठीक है, लैन और ये वैन दो है ना, गलत लिखा हुआ है, डब्ल्यू ए एन होता है ये, और एक होता है लैन, एल ए एन। इन दोनों में बताओ कि सबसे फास्टेस्ट कौन होता है। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, एक जो चीज है जैसे रेड कलर आपने पढ़ा होगा साइंस में, और एक मान लो जैसे बैंगनी कलर है या फिर कुछ कलर है। रेड कलर देखा आपने, ये जैसे वो कोई चीज़ फैल जाती है बहुत जल्द, उसकी क्या होगी भाई, इंटेंसिटी कम हो जाती है, तीव्रता कम हो जाती है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा फैलेगा तो उसकी पावर कम हो जाएगी, और जो चीज़ जैसे उतना छोड़ो उतना दूर नहीं जाएंगे। जैसे मैं कहूँ ना कि पानी को अगर हम क्या करते हैं ना, जमा के देते हैं तो बर्फ़ हो गई, तो बर्फ़ की पावर ज़्यादा होती है, जैसे ही वो गलेगा तो वो फैल जाएगा, और जैसे ही फैलेगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो चीज़ें जितना फैलेगा जितना बटेगा उतना क्या होगा, उसकी क्षमता घटेगी। तो वही होता है वैन के साथ। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाइड एरिया, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में इसका क्या होगा, नेटवर्किंग फैलाने की क्षमता होती है। भाई तुम क्षमता बढ़ा लो अपनी, हम ज़्यादा मतलब दूर पड़ोसियों को खुश कर देंगे, पड़ोसी के पड़ोसी को खुश कर देंगे, वहाँ पर भी वाईफाई का सिग्नल दिख जाएगा, लेकिन जब चलाएंगे तो मतलब फोटो भी डाउनलोड नहीं हो रहे। तो वही होता है वैन के साथ कि बहुत ज़्यादा तो फैल जाएगा लेकिन इंटरनेट स्पीड उतना नहीं देगा। लेकिन लैन क्या होता है ना, लैन ये वैन जो है ना, डब्ल्यू एन होता है, वी एन नहीं होता, लैन के साथ होता है एल एन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये बस लोकल जो आसपास लोग हैं उन्हीं के साथ चलेगा, हम ज़्यादा बटेंगे नहीं और क्षमता को घटेंगे नहीं, क्षमता में घटेंगे नहीं, ये बढ़ता भी नहीं और क्षमता में घटता भी नहीं है। भैया जब हम लैन यूज़ करते हैं केबल के थ्रू ना, फाड़ देता है इंटरनेट स्पीड को ये। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि लैन जो है ना फास्टेस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अब कह रहा है 1 TB बराबर क्या होता है। देखो हम लोग लैपटॉप लेते हैं तो कहते हैं ना इंटरनल मेमोरी कितनी है उसकी, वैसे तो सबको ही पूछता है ना इसकी वो बताओ कितनी है, रैम कितनी है। कुछ लोग कहते हैं 4 GB है, 8 GB है, फिर कुछ लोग कहते हैं हमारे पास तो 16 GB है, फिर कहते हैं वो सब छोड़ो हटाओ हमको ये बताओ इसकी इंटरनल स्टोरेज कितनी है। तो कहते हैं ना 1 TB है, कहोगे भाई हम लैपटॉप ले रहे हैं, TB नहीं ले रहे हैं, सीधे सीधे मुद्दा पे आओ इसकी इंटरनल स्टोरेज कितना है, वो भी सर चकराएगा उसका, भाई बोल तो रहे 1 TB है। तो TB का फुल फॉर्म होता है 1 TB, और ये 1 TB कहाँ से बन के आया है, तो GB से निकल के आया है, GB का मतलब होता है GB। अब देखो जैसे हमने पढ़ा ना कि 1024 GB अगर हम कर लेंगे, 1 GB 2 GB 3 GB ऐसे होता है ना, वैसे करके वैसे जोड़ते जोड़ते 1024 GB जब बन जाएगा ना, तो वो उसका एक नया नाम देते हैं 1 TB, 1 TB, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, वैसे मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, 1 TB, 1 TB, 1 GB, ठीक है, ऐसे सब और जो भी चीज़ है मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा। तो 10024 GB को मिला के कहते हैं 1 TB। फिर कह रहा बताओ वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने पर दूसरे दस्तावेज खुल जाते हैं। अच्छा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, छोड़ो उतना नहीं घूमेंगे, आपने लाइफ में तो हमेशा sarkaririzult.com खोला होगा, sarkaririzult.com। आप मान लो कोई वैकेंसी आई है या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एडमिट कार्ड आ जाएगी, तो एडमिट कार्ड लिखा होगा उस पर जैसे ही टच खोलो करोगे तो फटाक से दूसरा पेज खुल जाता है, ठीक है। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड वाले पे टच करोगे तो दूसरा पेज खुल जाता है, तो ये कैसे हो जाता है भाई? तो ये सब कमाल है हाइपरलिंक का। ये हाइपरलिंक क्या होता है, आपको जंप करा देता है, हाइपरलिंक क्या करता है, जंप करा देता है एक पेज से दूसरे पेज पे। और ये सब कमाल किसकी मदद से होता है, हाइपरलिंक किसकी मदद से बनता है, तो HTML की मदद से बनता है। क्यों? क्योंकि HTML का फुल फॉर्म ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब एक ऐसा लैंग्वेज जहाँ को टेक्स्ट को क्या हाइपर के रूप में क्या कर देता है, वो मार्क कर देता है, हाइपर लिंक के रूप में मार्क कर देता है। तो सब HTML, और HTML का यूज़ क्या है भाई, मैं जनरली बताऊँ, कोई भी वेबसाइट जब बनाते हैं ना, तो उसका सबसे जैसे मान लो कोई भी घर बनाते हैं तो मेन चीज़ें उसमें क्या चाहिए,
कहोगे सबसे जरूरी चीज़ है, नॉर्मली हमारे पास सीमेंट ना हो तो हम मिट्टी से बना लेंगे, ठीक है, हमारे पास सरिया ना हो, छड़ ना हो तो भी हम घर बना लेंगे, लेकिन मेन हमारे पास ईंट होना चाहिए, ईंट होना चाहिए। तो वही चीज़ है, हमारे पास HTML होना चाहिए, किसी वेबसाइट का क्या है, ये ईंट है या फिर उसकी हड्डी है। और जैसी मतलब एक चीज़ होता है, HTML का फुल फॉर्म कभी कभार पूछता है, कभी कभार का बहुत बार पूछता है, तो कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और HTML के साथ साथ एक CSS लैंग्वेज होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मैं फुल फॉर्म को रिपीट कर रहा हूँ। इसकी मदद से किसी वेबसाइट में कलर किया जाता है, जैसे मान लो बहुत सारा वेबसाइट देखा होगा रंगीन होता है, तो या तो वो इमेज की मदद से होता है या फिर CSS की मदद से हम लोग उसको कलरिंग कर देते हैं, डिज़ाइन क्रिएट कर देते हैं, स्टाइल बना देते हैं। इसके नाम में ही छुपा हुआ है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये स्टाइलिंग की जाती है वेबसाइट में HTML के साथ। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आ सकता है, या तो CSS का फुल फॉर्म दे देगा या पूछेगा कि बताओ वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ होता है, तो कैसे CSS का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे याद रखो, एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कराना है तो सबसे बेस जो लैंग्वेज होता है वेबसाइट का क्या होता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हाइपरलिंक बनाने में हमारी मदद करती है। आगे आ जाओ, कह रहा बैंडविड्थ शब्द का प्रयोग क्या होता है भैया, बैंडविड्थ, अच्छा ठीक है। आपने लाइफ में एक बार एक चीज़ देखा होगा, पता है क्या, कि हम लोग कभी भी मान लो कभी एडमिट कार्ड आ गया, SSC जो हम भी दिल्ली पुलिस मान लो इसका कॉन्स्टेबल का एडमिट कार्ड आ गया, हजारों नहीं लाखों की संख्या में ना एक ही बार वेबसाइट पे बच्चा लोग टूट जाएगा, ठीक है। अहू कहेगा वेबसाइट कहेगा ये भाई सुनो ना दिमाग मत खराब करो, हमारी क्षमता है एक बार में 1,00,000 लोगों को डेटा सेंड करने का, एक लाख मतलब स्टूडेंट्स को कैपेसिटी है हमारे पास कि हम आपका सेवा कर सकते हैं, एक ही बार टूट जाता है 6,00,000-7,00,000 तो हम क्या करें, हमको तो मरना ही पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में साइट डाउन हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं अभी सर्वर डाउन रह रहा है बाद में चेक करेंगे, सर्वर भरवर डाउन नहीं है, गलती हमारी है, साइट की बैंडविड्थ है 1,00,000 लोगों की, ठीक है, मान लेते हैं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, टूट जा रहे हो 6,00,000 तो वो आपको अब डेटा कहाँ से देगा। डेटा का मतलब होता है स्थानांतरित डेटा की मात्रा, अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर, कि कोई भी चीज़ साइट कितना आपको डेटा ट्रांसफर कर पा रहा है उसको कहते हैं बैंडविड्थ। चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो बैंडविड्थ क्या है, स्थानांतरित कर जो कितना भी डेटा को ट्रांसफर किया जाता है उसकी एक तरीके से मात्रा को कहते हैं बैंडविड्थ। चीज़ें समझ में आ गई। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल है, आप बनाओगे सही सही आंसर, अभी तक आप इसका आंसर कर चुके होगे, एक चैनल द्वारा प्रसारित किए जा सकने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, जल्दी से बताओ। उसी से रिलेटेड सवाल है घुमा फिरा के, तो मतलब चैनल द्वारा या फिर कोई भी चैनल है, वेबसाइट है, कोई भी चीज़ है, उससे प्रसारित किया जा रहा है, ट्रांसमिटेड किया जा रहा है, सबसे जो मैक्सिमम लेवल का जो क्या होगा डेटा होगा वो बैंडविड्थ ही कहते हैं उसको, ठीक है। चलो, जब भी हम लोग होस्टिंग लेते हैं ना तो ये चीज़ देखते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, अच्छा उसकी बैंडविड्थ कितनी है, स्टोरेज कितनी है, सभी चीज़ें देखनी होती है, अदरवाइज़ हम बना रहे हैं अच्छी बड़ी वेबसाइट और दूर उससे भी ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो साइट ही डाउन हो जाएगा, तो फिर रोना धोना पड़ जाएगा। फिर कह रहा है UDP का फुल फॉर्म क्या होता है, UDP, तो कंप्यूटर वाले सीन में ना कंप्यूटर की भाषा में UDP का मतलब होता है यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट। क्या होता है यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट, कभी कभार पूछ देता है, फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा है, जैसे CPU की पूछ सकता है आपसे, वैन का पूछ सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लैन का पूछ सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क, आपसे HTML का पूछ सकता है, URL का पूछ सकता है। HTML का मैंने बताया ना ऐसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग तेज कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है। देखो सम टाइम ना हम कंप्यूटर गेम जब खेलते हैं ना तो हमको कीबोर्ड की मदद से मज़ा नहीं आता है। अब भैया कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं, कहीं गलती से कुछ और, जैसे मान लो पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, आपकी भाषा में सामने से एनिमी आया, आपका टीममेट कह रहा है एनिमीज़ अहेड, आप इधर से उधर बटन दबाए जा रहे हो, आपका नज़र है स्क्रीन पे और हम दबा दे रहे हैं कुछ और बटन, आपका बंदा मान लो फायर नहीं कर पा रहा तो वैसे तो आपको हेडशॉट लग जाएगा। तो उस सिचुएशन में कोई भी गेम अगर खेलना है कम बटन के साथ और फास्टेस्ट गेम प्ले करना है तो आपको जॉयस्टिक के साथ खेलना होता है। अब जॉयस्टिक कैसा होता है मैं यहाँ पे तो दिखाऊंगा नहीं, खरीदना पड़ेगा मेरे को, मेरे पास नहीं है, आप गूगल सर्च करो जॉयस्टिक इमेज, आपको जॉयस्टिक दिख जाएगा। तो बस ये चीज़ समझो कि जॉयस्टिक का यूज़ कहाँ होता है, गेम खेलने में कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करके करते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे कह रहा है जो F1 F2 इत्यादि लेवल की जो कीबोर्ड कुंजियाँ होती हैं उनका यूज़ क्या होता है। देखो आपने कीबोर्ड देखा होगा, सबसे ऊपर में बहुत सारे बटन होते हैं F1 F2 F3 ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के आपके कितने होते हैं, F8 F9 10 11 12 तक होता है, F12 तक होता है, F1 से लेके
F12 तक होता है, उसके बाद आपका PS, PSL, P8, PB ऐसा करके आ जाता है, ठीक है। तो उतना ध्यान नहीं करना, मतलब फंक्शन की कितने होते हैं आपके पास, 12 तक, F1 से लेके F12 तक होता है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन की या फिर फंक्शन कुंजियाँ कहते हैं। F का मतलब ही होता है फंक्शन। अब सभी कुंजी का अलग अलग काम है, इन सब के अलग अलग काम के ऊपर मैं अगली वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में या फिर सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है फंक्शंस की, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, बताओ F4 का क्या काम है, F5 का क्या काम है, या फिर कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना तो किन कीज़ का काम करते हैं, तो कीज़ के ऊपर अलग से वीडियोस आएंगी। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो, रिलैक्स होकर पढ़ो। लेकिन F से जो भी है, F1 से लेके F12 तक, इनको फंक्शन की कहते हैं, फंक्शन करने के लिए। फिर कह रहे हैं सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, तो सुपर कंप्यूटर जो होता है ना, नाम से समझ में आ रहा है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं इंकजेट लेजर थर्मल डेस्क के सामान्य प्रकार है। देखो माउस मॉनिटर कीबोर्ड प्रिंटर, इंकजेट क्या है, इंक है तो ऑब्वियसली वो क्या है भैया, वहां से कुछ प्रिंट होकर निकलने वाला है। आजकल आपने सुना होगा लेजर प्रिंटर भी आ गया, थर्मल प्रिंटर भी आ गया, तो वैसे थर्मल प्रिंटर तो ओल्ड है, लेजर प्रिंटर आ गया, इंकजेट तो ओल्ड है। तो ये चीजें समझ लो कि ये सभी के सभी क्या है, प्रिंटर के एक टाइप है, ठीक है। जैसे गाय के बहुत सारे नस्ल होते हैं, भैंस के अलग अलग नस्ल हैं, इंसानों के भी अलग अलग नस्ल हैं, इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, ठीक है, रशियन, आज के रशियन ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं। तो ये सभी चीज़ है ना, तो क्या है भैया, ये सभी प्रिंटर के क्या है, टाइप हैं। बाकी माइंड मत करना जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ किया। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं। अब ये आउटपुट इनपुट क्या होता है, ये आउटपुट इनपुट क्या होता है सर, ये पुट पुट करके माथा खराब करता है। देखो आउटपुट का मतलब समझाता हूँ मैं, तो छोटा सा टेस्ट के टाइप पे वीडियो लाया हूँ, अलग अलग वीडियोस आएंगी हर टॉपिक के ऊपर, जहाँ से एग्जाम में आपको रखना ही नहीं पड़ेगा, वीडियोस देख के जाओगे फटाफट आंसर करोगे, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है जहाँ पे रटना पड़ रहा, लेकिन मेरे सेंस में आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। आउटपुट का मतलब समझो, रटना नहीं है कि हाँ ये चीज़ें जो है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर इनपुट है, जॉयस्टिक, जो भी चीज़ है, इसमें से आउटपुट इनपुट क्या है। आउटपुट का मतलब ये हो गया ना कि जो आपको वो दे, जैसे क्या कहते हैं आपकी भाषा में समझाना चाहूँ, अगर मान लो ना कि मैं आपसे, मैंने कुछ आपसे मांगा तो आपने मेरे को कुछ दिया, तो आपने जो दिया वो क्या हो गया, आप जब मैंने आपको कुछ दिया तो वो आपने रख लिया, तो वो आपका इनपुट हो गया। जब आपने रिटर्न में मेरे को कुछ दिया तो वो आउटपुट हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ें जब कहीं से कुछ मित्र को मिले, जरूरी नहीं कि वो फिजिकली मिले, वो डिजिटली भी मिल सकता है। जैसे मैं अगर डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप पे एक PDF है, मैं इस पे इनपुट देता हूँ ना, ओपन का एक, ठीक है, कमांड देता हूँ, ये PDF ओपन होगा, उस वो PDF ओपन होकर मेरे को कुछ दिखाएगा। जब मेरे को वो कुछ चीज़ दिखाएगा तो ऑब्वियसली चीज़ें, मैं वहाँ से मेरे को आउटपुट मिल रहे हैं, वो मेरे को कुछ दिखा रहा है तो मेरे को कुछ मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो मॉनिटर से मेरे को कुछ देखने को मिला तो उसने मेरे को आउटपुट दिया। प्रिंटर से क्या होता है, मैं कोई चीज़, ये PDF को मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा, तो प्रिंटर ने भी मेरे को बाहर कुछ निकाल के दिया, भले वो फिजिकल फॉर्म में दिया लेकिन उसने मेरे को की दिया। मॉनिटर मेरे को डिजिटल फॉर्म में कुछ दे रहा है, डेटा को पढ़ा रहा है, जैसे ये पढ़ रहे हो तो मोबाइल से आप पढ़ ही रहे हो ना अपने स्क्रीन पे, तो ये आपको आउटपुट दे रहा है कुछ, ले भैया तो ये पढ़ ले, खुश हो जा पढ़ के। और ये प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर भी एक प्रकार का ना वेक्टर प्रिंटर कहते हैं इसको, तो वेक्टर प्रिंटिंग में काम आता है, तो ये भी प्रिंटर का भी प्रकार है प्लॉटर, ठीक है। तो इससे भी कुछ ना कुछ प्रिंट होकर आपको मिल रहा है। लेकिन जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक आपको कुछ देता नहीं है, वो इनपुट लेता है। ये क्या लेता है, आपसे खाली लेता है, आप कमांड दोगे, ठीक है, तो वो गेम खाली खेलते रहोगे, उस वो आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है, क्योंकि सर मजा दे रहा है, मजा दे रहा है तो मजा के लिए उसको कंप्यूटर की भाषा में आउटपुट इनपुट नहीं कहते, तो मजा वाला सीन साइड रखो, ठीक है, तो उसको जॉयस्टिक कहते हैं। तो जॉयस्टिक क्या, एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आगे देखते हैं, फिर अगला सवाल हो गया कि CPU और मेमोरी निम्न से किसमें स्थित होती है, CPU और जो मेमोरी होती है वो किसके अंदर स्थित होती है। तो CPU का मैंने फुल फॉर्म क्या बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है। और यही सवाल पता है, इस बार एयरफोर्स के एग्जाम में आया था, बताओ कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, बहुत सारे बच्चे ना आंसर करके आ गए हैं मदरबोर्ड, ले भैया ले, ये इसका फुल फॉर्म तो पता ही है आपको, ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का। और पता है बच्चे कैसे खुश होकर क्या थे, जानते हैं सर एक कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आया था, हमने उसका आंसर कर दिया, बिल्कुल सही है, मदरबोर्ड आंसर किया था। मेरे को भी लगा बच्चा जब इतना कॉन्फिडेंस बोल रहा है तो पता ही होगा इसको कि मदरबोर्ड सर आंसर होगा। बाद में किसी ने मेरे को बताया कि ना सर एक सवाल आया था शाम को रिव्यू कराने के लिए कि CPU मतलब ये कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, मैंने इसका आंसर किया CPU, क्या सही है, मैंने बोला हाँ भाई सही है। तो बच्चा बोल रहा है सर आपने तो बोला था कि मदरबोर्ड सही है, मैंने बोला था मैंने क्वेश्चन बताया नहीं था, मैंने सिर्फ आंसर बताया था कि कुछ क्वेश्चन आया था जिसका आंसर मदरबोर्ड था, लेकिन मेरे को क्वेश्चन नहीं पता, मैंने ये चीज़ बोला था। तो जब भी पूछे आपसे एग्जाम में कंप्यूटर का ब्रेन क्या, तो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबका। अगर मान लो अगर कोई लैपटॉप वगैरह है तो लैपटॉप में भी CPU होता है, लेकिन उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, मेमोरी को कहाँ,
तो मदरबोर्ड के अंदर सबको यूज इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। सीपीयू को कहाँ इंस्टॉल करते हैं, एक तरीके से मदरबोर्ड के अंदर हम लोग, ठीक है, इंस्टॉल करते हैं। और मदरबोर्ड ही क्या है भैया, एक तरीके से कंप्यूटर की जननी है। अगर मदरबोर्ड गई तो कंप्यूटर गया। मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड का मतलब होता है वो जननी है, एक तरीके से पूरा फंक्शन साथ में सब कुछ लेके यहीं पे चल रही है। वो चीज़ें समझ में आ गई। वैसे तो कंप्यूटर जो मिलता था बाहर एक बॉक्स होता था, उसी को सीपीयू कहते थे, उसी के अंदर मदरबोर्ड रहता था। तो मेनली जो इंस्टॉल्ड होता है मदरबोर्ड के अंदर ही सब कुछ इंस्टॉल रहता है। चीज़ें समझ में आ गई, उम्मीद है जनाब अब आपको ये क्लास मज़ा आया होगा। थोड़ी सी बड़ी बनी, 15 क्वेश्चन में 20 मिनट लगी, बट अगली बार मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा। तो कमेंट करके बताऊँ कि इसको कंटिन्यू रखे कि नहीं। बाकी मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर कर देना।